दोस्तों आपका सुन स्वागत है, मैं आपका दोस्त श्रीकांत और आप देख रहे हैं टेक श्री। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं नोकिया C1 के बारे में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में लॉन्च हो चुका है और इसका स्पेसिफिकेशन पूरा का पूरा सामने निकल कर रहा है और ये बहुत ही लोएस्ट प्राइस में होने वाला है। जब भी भारत में आएगा ना, बहुत लोएस्ट प्राइस में आने वाला है। जो भी बजट अफोर्ड नहीं कर पाते या 7000 या 4000 8000, उनके लिए ये मोबाइल फ़ोन निकाला हुआ है। जो कि बजट को नहीं कर पाते, जो कि 2500 या 3000 में जो कि 4G मोबाइल फ़ोन लेने चले, उनके लिए बहुत ही बेस्ट फ़ोन ये होने वाला। तो इसमें सब कुछ देखने वाला, इसमें क्या क्या मिलने वाला और क्या क्या नहीं मिलने वाला। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपको ले लाता रहता। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका डिस्प्ले। डिस्प्ले की बात करें तो आपको डिस्प्ले देखने को मिलने वाला 5.45 इंचेस का डिस्प्ले, जो कि FWVGA होने वाला है IPS पैनल के साथ। बजट आपको बता दिया मैंने, तो उसके वजह से ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है, लेकिन जो कि बजट है उसके हिसाब से मैं अच्छा कहूँगा कि ये अच्छा होने वाला है। ठीक है, अभी बात करते हैं परफॉर्मेंस के। यहाँ पर आपको क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि पबजी, मुझे लगता है ना पबजी लाइट को भी सपोर्ट करेगा अच्छे से। और बात करें इसके प्राइमरी लॉक स्पीड की, तो 1.8 GHz की लॉक है जो प्राइमरी है। अभी बात करते हैं कैमरे की। कैमरे की बात करूँ तो आपको फ्रंट में 5 MP और रियर में भी 5 MP का यहाँ पर सिंगल कैमरे का सेटअप दिया हुआ है। जो भी इसका प्राइस है उसके हिसाब से मोबाइल फ़ोन फिट ही आ रहा है, मुझे लगता है फिट ही आ रहा है। अभी बढ़ते हैं पावर की बात। पावर के लिए यहाँ पर आपको 2500 mAh की बैटरी डाली हुई है, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन को पावर देगी। जो कि छोटा डिस्प्ले होने के बावजूद ये ज़्यादा कंजप्शन नहीं करने वाला, इसके लिए 2500 mAh की बैटरी यहाँ पर डाली हुई है। अभी बात करते हैं इसकी वारंट की। वारंट की बात करूँ तो 1 GB रैम और 64 GB रोम दे रहा है आपको, और इस पर एक्सपांडेबल का भी ऑप्शन है। तो एक्सपांडेबल भी आप, अगर स्टोरेज आपकी फुल हो जाएगा तो आप एक्सपांडेबल भी कर सकते हो। अदरवाइज फीचर की बात करूँ तो एंड्रॉयड 9 आपको मिलने वाला है यहाँ पर, और गूगल असिस्टेंट भी इसमें इंक्लूडिंग है, जो कि फर्स्ट वन टच के आप इस पर गूगल असिस्टेंट स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज बात करूँ 3.5 mm जाके टाइप ऑफ सी चार्जर का पोर्ट है यहाँ पर। और बात करूँ सेंसर की, तो एक्सेलेरोमीटर, टेम्परेचर, ग्लैक्सोमीटर, कंपास सभी सेंसर है, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। यहाँ पर फेस लॉक डाला हुआ है, अदरवाइज कुछ भी ज़्यादा यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर वेंसर नहीं है। और ज़्यादा आप उम्मीद भी मत करो, 2500-3000 में कुछ ज़्यादा कुछ मिल नहीं जाता। तो जो भी मिल रहा है ना, बहुत ही अच्छा है इस फ़ोन में। और जब भी भारत में आएगा ना, हम इसका अलग से एक स्पेसिफिकेशन बना दूंगा और आपके लिए ऐसे लोगों का क्या बोलते हैं इसके बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा। तो मेरे दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँ तो आपको पता है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।